संतोष निकम और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। सो दोस्तों आपका स्वागत है और एक नई सीरीज में, जैसे कि दोस्तों आप लोगों में से कई सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स में और टेलीग्राम पे कि सर आप जो स्विंग स्टॉक्स है इसके ऊपर भी कोई वीडियो जो है बनाए, तो लीजिए मैं एक नया सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग तीन जो स्विंग स्टॉक्स है बुलिश उसके बारे में डिस्कस करेंगे वीकली के लिए, और तीन बीयरिश स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हर वीक में संडे के दिन ये वीडियोस आएंगे, बुलिश की वीडियो आएगी कल हर मॉर्निंग में और इवनिंग में हर संडे की आएगी बीयरिश स्टॉक्स की वीडियो। साथ में हम लोग इससे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कभी नहीं किया करते थे, सिर्फ इंट्राडे के मैजिकल लेवल्स आप लोग के साथ में शेयर करता था, जो कि हम लोग इस वीडियो के साथ में अब वीकली के लेवल्स भी मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे शेयर करूंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो देखिए गाइस, यहाँ से जो पहली स्टॉक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं वो है EID पैरी की। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ वहाँ हो सकता है क्योंकि ये हमारे रेगुलर स्टॉक्स नहीं है जो भी डिस्कस करने वाला आप लोग के साथ में, क्योंकि मुझे यहाँ से इनसे काफ़ी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। सो ऑब्वियसली ब्लू चिप पे अगर हम लोग काम करेंगे तो उस टाइप के रिटर्न हम लोगों को नहीं मिलेंगे, उस टाइप का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा जिनमें एक अच्छा वॉल्यूम तो आ चुका है, और जैसे कि ये बहुत ज़्यादा वेल नोन स्टॉक्स नहीं है तो इनमें ज़्यादा ट्रैपिंग भी नहीं आती है। तो EID पैरी ये हम लोगों ने पहला स्टॉक सिलेक्ट करके रखा हुआ है। 603 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश है, 620, 631, 662 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे हम लोगों के, तो 570 ये हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से इस स्टॉक ने जो है वो काफ़ी शानदार रेजिस्टेंस फेस करके रखा हुआ है, डाउन साइड से एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो स्क्वीज हो चुका है और यहां पे ब्रेकआउट के लिए रेडी भी है। और देख लीजिए यहां पे इस दिन में काफी अच्छा हम लोगों को वॉल्यूम भी देखने को मिला है। अब गाइस ये जो भी डेली बेसिस पे आप लोग के साथ में मैं स्विंग के लिए स्टॉक शेयर कर रहा हूं, इसका जो स्टॉप लॉस होगा हम लोगों का वो होगा डे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर आप लोग यहां पे 2 आवर की कैंडल क्लोजिंग का भी यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अगली कैंडल जब लो ब्रेक करेगी तब हम लोग यहाँ पे SL को अपने कंसिडर करके चलेंगे। TCI एक्सप्रेस हम लोगों की दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक रहेगी यहाँ पे, इसमें काफ़ी अच्छा सा डबल बॉटम का पैटर्न हो गया, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम भी हम लोगों को दिख रहा है, सपोर्ट पे भी स्टॉक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है तो 1865 के ऊपर बुलिश हो जाएगा, 1911, 1946, 1984 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1783 यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और जो तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए कितना बेहतरीन वॉल्यूम इसमें भी आ चुका है, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्टॉक का नाम है हम लोगों का। यहाँ पे कप एंड हैंडल का बहुत अच्छा पैटर्न भी बना है जिसे ब्रेकआउट भी मिला है, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया था तो बस इसीलिए हम लोगों को इसको 193 के ऊपर बुलिश कंसिडर करना है, 204, 219, 230 अपसाइड के लेवल्स करेंगे, तो ये जो कप का हैंडल है इसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस को जो है वो कंसिडर करके चलेंगे। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि जो स्विंग के जो स्टॉक्स होते हैं इसका 8 to 10 days का हम लोग ड्यूरेशन पकड़ के चलते हैं, अगर थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज में हो भी जाता है तो भी। अब गाइज इसके बाद में हम लोग देखेंगे निफ्टी का मेरा वीकली का एनालिसिस क्या है। तो देखो काफ़ी टाइम से निफ्टी जो है यहाँ पे सपोर्ट जो है वो फेस कर रही थी, आज अगेन सेम लेवल पे आकर के खड़ी है, अगर यहाँ से बाउंस बैक हम लोगों को मिल जाता है तो 18,420 के ऊपर ही बुलिश होगी, वरना अगर बैंक निफ्टी के साथ में इसको मिला करके देखिए तो इसके ट्रेंड लाइन के नीचे ये बेयरिश है, 18,127, 17,815 और 17,622 ये मैं लेवल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले वीक में निफ्टी पे। अगर से बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट फेस कर रहा था, जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर इसका लो जाएगा तो 42,690, 42,188, 41,334 के लेवल्स डाउन साइड में ये फॉलो कर सकता है, तो 43,522 के ऊपर ये निकलेगा तो ही बुलिश होगा, वरना हम लोगों को एक अच्छा खासा बेयरिश ट्रेंड जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो स्विंग के जो स्टॉक्स हैं
आने वाली वीक के लिए, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो कि 5 बजे प्रीमियर होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीयरी स्टॉक्स जो है वो कौन से होने वाले, क्योंकि मार्केट हम लोगों का प्रेडिक्शन जो है वो गिरने का है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड का प्रोबेबिलिटीज लगा के चलेंगे। मैं आपको हर वीक में जो है दोनों साइड के जो भी लेवल्स है वो शेयर करूंगा, 3 स्टॉक्स बुलिश शेयर करूंगा और 3 जो है वो बीयरिश करूंगा। अगर चैनल पे नए हैं आप, अब अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।